हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपना जो नया इंट्रो है वो किस तरह से बनाया है एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। बहुत से भाई जो है काइन मास्टर में बनाने का ट्यूटोरियल पूछ रहे हैं, मगर दोस्तों इस तरह का इंट्रो जो है आप काइन मास्टर में मतलब इतना अच्छा से नहीं बना पाएंगे। बना सकते हैं मगर उसका वो कुछ अलग हिसाब किताब होता है, अलग तरीका होता है। मगर इस तरह का इंट्रो जो है आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर सोनी वेगा इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वहीं से ही आप बना सकते हैं। तो मैंने जो अपना इंट्रो है वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट से बना, तो चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों इस तरह का जो है मैंने अपने चैनल के लिए इंट्रो बनाया है। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या था पूरा प्रोसेस जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको यूट्यूब ओपन कर लीजिए और यहाँ पर यूट्यूब के सर्च में आप सर्च कीजिए कि फ्री इंट्रो टेम्पलेट। तो दोस्तों फ्री इंट्रो टेम्पलेट आफ्टर इफेक्ट्स का जो है आप सर्च कर सकते हैं और आपको जो है दोस्तों एडोबी आफ्टर इफेक्ट का बहुत सारा जो है इंट्रो टेम्पलेट मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको बहुत सारा जो इंट्रो टेम्पलेट का लिंक जो है मिल जाएगा। तो मैंने जो है इस वाले वीडियो पे जो है यहाँ पे इसमें पॉज करता हूँ। तो यहाँ पे जो 15 नंबर का जो इंट्रो टेम्पलेट है उसका यूज़ किया था, यहाँ चलिए मैं शो मोर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जो ये 15 नंबर वाला जो इंट्रो टेम्पलेट है इसका मैंने यूज़ किया है, तो इसका भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला इंट्रो टेम्पलेट जो है मैंने यूज़ करके अपना जो AKS टैग का इंट्रो बनाया है। तो यहाँ आप देखो ये सॉरी 11 नंबर का जो इंट्रो टेम्पलेट है, तो यहाँ सिंपल आपको कोई सा भी कितना यहाँ आप देख लीजिए 15 टू टॉप जो है टॉप 15 आफ्टर इफेक्ट इंट्रो टेम्पलेट यहाँ दिया है और इसके जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह भी मिल जाएगा। तो कोई सा भी टेम्पलेट आपको अगर पसंद है, आप बनाना चाहते हो उस तरह का टेम्पलेट यूज़ करके, तो जैसे मैंने 11 नंबर का बनाया था तो एक बार इसमें क्लिक कर देंगे तो आपको एक नया पेज जो है ओपन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जो है 5 सेकंड तक वेट करना है, यहाँ स्किप का ऑप्शन आपको आ जाएगा तो स्किप पे क्लिक कर दीजिएगा, इस पेज को क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद में यहाँ जो है आपको ये पेज आ जाएगा, यहाँ सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ आपको फ्री टेम्पलेट डाउनलोड यहाँ जो है बहुत सारा जो है साइट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 है, तो इसमें से किसी भी आप क्लिक करके जो है उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब भी उस फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड का लोकेशन आप देख लीजिए कि कहाँ पर है। तो मैंने उसको जो है ऑलरेडी अपने एक फोल्डर में सेव करके रखा हुआ है, तो चलिए उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट और टेम्पलेट में तो इस तरह का आपको फोल्डर जो विनवर फाइल है उसमें नजर आएगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो टेम्पलेट है तो इस तरह का फोल्डर आपको आएगा, तो इसको जो है आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ जो है एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक फोल्डर बन जाएगा, जैसे कि ये देखिए ये इसका जो फोल्डर है मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, तो इसका ये फोल्डर बन गया है। तो इस तरह का फोल्डर आपको बन जाएगा, तो इसको जो है आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे सब जो है सबसे ऊपर वाला इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ आपको दो जो है दो टेम्पलेट आपको मिलेगा, एक जो है CS5 का है और एक जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट का है। तो दोनों में से आप जिसमें चाहे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ सबसे ऊपर में आपको जो है एक डेमो भी दिख, तो ये जो है डेमो है और यहाँ प्रीव्यू में जो है उनका जो जो लोगो उन्होंने यूज़ किया है, तो ये लोगो है, लोगो देख सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको चाहिए आपका चैनल का लोगो जो रेडी होना चाहिए, लोगो बना के रखना चाहिए। तो सिंपल आप क्या करेंगे यहाँ से इसको
ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके, तो आपके कंप्यूटर में अगर एडोबी आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल है तो ये एडोबी आफ्टर इफेक्ट में ओपन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ पर जो है आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट में ओपन हो चुका है। तो यहाँ से हमको जो है कुछ चेंजेस करना है, यानी कि जो लोगो है लोगो चेंज करना है, लोगो को चेंज करना है और अपना लोगो डालना है। इसके अलावा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में अपना जो टेक्स्ट है, जो चैनल का नाम वगैरह है वो उसको ऐड करना है। तो यहाँ चलिए ये फुल में इसको थोड़ा सा लो कर देते हैं। तो ये वही प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। तो यहाँ हमको जो है लोगो चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ आप नीचे लाइन में देख सकते हैं कि और सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ लोगो का ऑप्शन है, तो लोगो के ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए और आपका जो लोगो है उसको आपको इंपोर्ट करना होगा। तो इस वाले जगह पे आप डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ से आपका जो है फोल्डर खुल जाएगा। तो यहाँ से आपका जो लोगो जहाँ भी आपने बना के रखा है उसको आपको इंपोर्ट करना है। तो चलिए मैं अपना जो लोगो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और हमारा लोगो जो है यहाँ पर आ गया है। तो इसको हम पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, हमारे लोगो को जो है इस जगह में सेंटर करके हमको जो है सेट करना है, उसका साइज जो है सही करना है। तो ये हमारा लोगो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो हम यहाँ एस पे क्लिक करेंगे तो स्केल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से हम जो है इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लोगो आ गया, स्केल भी हमने छोटा कर दिया। अब दोस्तों ऊपर वाला जो ये लोगो है, जो कंपनी का लोगो है, यहाँ आई का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हमको क्लोज कर देना है। तो वो लोगो जो है वो चला गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं, तो ये कंपनी का लोगो था, ये थोड़ा रेंडर हो रहा है। उसके बाद में आपको ये देखिए हमारा जो लोगो है वो आ गया है, चेंज हो गया है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको सिर्फ जो है लोगो चेंज करना है। अब जो है हमको यहाँ टाइटल चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टैगलाइन का ऑप्शन है, ठीक है, टैगलाइन वन टैगलाइन टू। तो यहाँ पे जो है आपको आपका चैनल का नाम देना है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट का ऑप्शन पे यहाँ डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद में आपके कीबोर्ड जो है कीबोर्ड पे आप जो है इसको बैक करके आप अपना जो टाइटल है वो लिख सकते हैं या फिर चैनल का नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। और दोस्तों हमेशा जो है आप अपना जो कैप लॉक है उसको ऑफ कीजिए, वरना क्या है यहाँ आपको प्रीव्यू जो है नहीं दिखाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ मेरा कैप लॉक जो है वो ऑन है, तो इस वजह से ऐसा आ रहा है, तो मैं कैप लॉक को ऑफ कर देता हूँ। अब जो है यहाँ देखिए हमारा एके स्टैक आ गया है। इसके बाद में जो है हम नीचे हैं, यहाँ पे लिखना चाहते हैं जो भी है, तो जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ टैग लाइन टू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ ये टैक्स है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है इसको बैक स्पेस मार के जो है इसको मिटा देंगे और अपना जो भी टैक्स लिखना है, जैसे कि मैंने अपने वीडियो पे लिखा था, तो दोस्तों इस तरह से जो है मैंने लिख लिया है। और यहाँ जो है हम मेन फॉर्म पे जो है जाके यहाँ प्रीव्यू कर देखते हैं, करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए आ गया है हमारा नीचे का भी टैक्स आ गया, एक एस टैक्स आ गया। अब दोस्तों यहाँ जो है गेप है, तो इसको हमको मेकअप करना है। लोगो भी थोड़ा ऊपर ज़्यादा लग रहा है, तो इसको सेट करना है। सबसे पहले हम लोगो पे जाएंगे और यहाँ पर आप 50% देख रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करके फिट टू स्क्रीन में कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ फिलहाल हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट है, तो यहाँ टूल बार में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में हम जो है हमारा जो लोगो है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा नीचे करके यहाँ एक बार रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारा जो लोगो है वो थोड़ा नीचे हो गया है। अब हमको जो है अपना एक एस टैग को थोड़ा सा ऊपर करना है, तो हम टैग लाइन वन पे जाएंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है हम थोड़ा ऊपर करके यहाँ प्रीव्यू कर देंगे। तो इस तरह से जो है आप अपना जो कुछ भी है आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। टैग लाइन टू इसको भी थोड़ा ऊपर करना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी और यहाँ प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये सही हो गया दोस्तों। अब हमारा जो ये है प्रीव्यू है,
मतलब पूरा चीज़ जो है वो रेडी हो चुका है। आप यहाँ से चाहें तो प्रीव्यू एक बार करना चाहते हैं तो यहाँ आपको यहाँ ऊपर में चलिए इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको जो है प्रीव्यू में प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ आप प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो ये फाइनल आउटपुट रेडी हो चुका है, इसको हमको एक्सपोर्ट करना है। तो हम जाएंगे कॉम्पोजिशन में, उसके बाद में दोस्तों एड टू रेंडर क्यू में जाना है। तो यहाँ आपको आउटपुट मॉडल्स का मॉडल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो है फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं जो है क्विक टाइम जो है सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों अगर आपके पास क्विक टाइम का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको जो है क्विक टाइम का जो है एक सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें जो है आपको MP4 का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। अगर क्विक टाइम आपको नहीं आ रहा है तो आपको MP4 का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप जो है वो उसके लिए भी आप वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट कीजिए। और यहाँ फॉर्मेट के सॉरी यहाँ इस जो है फॉर्मेट ऑप्शन में देखिए ये H.264 जो है ये MP4 का है। यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो है MP4 का तीन जो है क्वालिटी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी जो है H.264, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करना है, तो इससे जो है हमारा वीडियो जो है वो MP4 में एक्सपोर्ट होगा। यहाँ से हम ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आउटपुट टू के ऑप्शन में आप जो है आपका वीडियो का यहाँ टाइटल जो है लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा AKS इंट्रो। और यहाँ जो है आपको कौन से मतलब फोल्डर में रखना है, कहाँ रखना है, आप यहाँ से जो है पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में इसको सेव कर दीजिए और यहाँ जो है आप रेंडर के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो आपका जो वीडियो है वो रेंडर होना चालू हो जाएगा। और जब आपका फाइनल रेंडर हो जाएगा तो चलिए मैं आपको फोल्डर दिखाता हूँ। तो मेरा फाइनल जो है ये इस तरह का बना है। तो इस पे जो है कोई ऑडियो नहीं है, ऑडियो आपको जो है इंक्लूड करना है। तो ये जो है अपना फाइनल आउटपुट इस तरह से आपको निकल आएगा। इसमें जो है ऑडियो नहीं है, ऑडियो आपको इंक्लूड करना है। तो आप कॉपीराइट फ्री जो है ऑडियो सर्च कर सकते हैं और अपना इंट्रो के लिए जो है ऑडियो डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।